बुलंदशहर स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 8 वर्षीय किशोरी के साथ रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा मुकर्रर की है। कोर्ट के इस फैसले को पीड़ित परिवार ने त्वरित इंसाफ के लिए नजीर बताया, तो वहीं जैसे ही सजा के बाद आरोपी को कोर्ट से बाहर लाया जाने लगा तो आरोपी की मां जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। पुलिस के मुताबिक 4 अगस्त 2020 को खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक व्यक्ति की 8 साल की बेटी अपनी छोटी बहन के साथ खेत पर जामुन बीनने के लिए गई थी। इसी बीच गांव का अशोक उनकी बड़ी बेटी को अमरूद खिलाने के बहाने जंगल में ले गया और रेप के बाद हत्या कर शव बोरी में रखकर ईख के खेत में फेंक दिया। इस मामले में खुर्जा नगर कोतवाली में पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ हत्या और रेप की धाराओं में FIR दर्ज कराई थी। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने संवेदनशील मामले को 1 साल 1 माह तक सुना और आज आरोपी को फांसी की सजा सुना दी। फांसी के साथ साथ कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हाँ भैया, आज हमारी विशेष न्यायालय पॉक्सो बुलंदशहर की पीठासीन अधिकारी डॉक्टर श्रीमती पल्लवी अग्रवाल ने अशोक नाम के मुलजिम को फांसी की सज़ा सुनाई है। दिनांक 4/8/2020 को ये अशोक एक 8 साल की बच्ची को जब वो अपनी बहन के साथ जामुन बीनने गई थी तो बहला फुसला कर ले गया था। अशोक ने पहले बालिका के साथ बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद उसको जान से गला घोटकर मार दिया और फिर शव छिपाने की नीयत से एक प्लास्टिक के कट्टे में रखकर ईख के खेत में छपा दिया। पुलिस के आने पर इसने पुलिस के सामने जुर्म का इकबाल किया और इसी की निशादेही पर ईख के खेत से लाश लड़की की बरामद हुई। निर्णय जो आया है इसको आने में कितना वक्त लगा? लगभग 1 वर्ष लगा। 4/8/2020 की घटना है। आज न्यायालय ने कल इसको दोष सिद्ध किया था। आज न्यायालय ने दंडादेश पर सुनने के बाद इसे फांसी की सजा सुनाई है। लगभग 1 साल के अंदर अंदर पीठासीन अधिकारी डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल द्वारा निर्णय प्रोनाउंस न्यायालय में कर दिया गया। तो जुर्माना वगैरह भी लगाया गया? हाँ, इसको जो है 302 में मृत्युदंड और 1 लाख रुपये जुर्माना और 376 AB और 5M/6 में भी मृत्युदंड, 363 में 7 साल की सज़ा और 20,000 जुर्माना और 201 में 7 साल की सज़ा 20,000 जुर्माना, इस तरह से मृत्युदंड और 1,40,000 रुपये जुर्माना अभियुक्त पे लगाया गया। बुलंदशहर से Time24 न्यूज़ के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।